आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ में एंड और की कंडीशंस को। हमारे साथ दीपक जी है, मॉर्निंग की क्लास है और हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल कंडीशंस इफ के साथ एंड और मिला के कैसे दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने हमारे पास यहाँ पे मेरे पास सेल्स डाला हुआ है और हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब मुझे इस पे इंसेंटिव को ऐड करना है। यहाँ मान लीजिए कंडीशन सिंपल सा है कि अगर अब अगर ग्रेटर देन बिटवीन 15 to 80 वाले को मुझे 500 इंसेंटिव देना है। पर सिंपल सा यहाँ पे हमें ऐड करना है। बिटवीन के लिए यहाँ पे अच्छा इफ के अंदर बिटवीन के लिए कोई ऐसा अलग से कमांड नहीं दिया गया। हम यहाँ पे दो कंडीशन को यहाँ पे एक साथ मर्ज करेंगे। जैसे कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80। प्रॉब्लम यह है कि एक इफ के साथ हम एक ही कंडीशन डाल सकते हैं, जितने इफ उतने कंडीशन। जैसे कि हमने यहां डाला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन अगेन हमने इफ को डाला ए लेस देन इक्वल टू 80। उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम डाल देते हैं और फॉल्स में 0 और 2 इफ है तो 2 फॉल्स होगा। क्या बिल्कुल यहां हमने इसको डाल के एंटर कर दिया, इसको नीचे तक बैक कर सकते। अब यहां पे एक भी नहीं आया 0, तो चलो मैं इसको 54 कर देता हूं। अपडेट आ गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है बट रिजल्ट आपका सिंगल है, मल्टीपल कंडीशंस एंड रिजल्ट सिंगल है, उस केस में क्या करें? मल्टीपल रिजल्ट एंड मल्टीपल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट, तो यहां पे नेस्टेड इफ लगा के कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक एंड का फॉर्मूला है, इसका काम है कि वो मल्टीपल कंडीशन को लेता है और सिंगल रिजल्ट मतलब कि ट्रू को देता है। जैसे कि यहां पे आपने देखा हमने एक ही बार दो कंडीशन ऐड कर दी, एंड ए टू इज ग्रेटर देन 50 कॉमा एंड ए टू इज लेस देन 80। ठीक है सर? यस सर। एंटर प्रेस मारिए, इसका रिजल्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स। रिजल्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स में, बट तो रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट चाहिए किसमें? जी 500 और 200 में इस तरह का चाहिए जी। क्या ये सब वैल्यूज में रिजल्ट चाहिए जी? तो यहां पे आपको मैंने कल बताया था कि इफ का काम होता है ट्रू एंड फॉल्स को रिजल्ट में कन्वर्ट कर। यहां पे हम दे देते हैं 500। समझ गए? आप एंड के साथ लगा सकते हो। चलिए थोड़ी सी बड़ी कंडीशंस को लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे नेम दे दिया, नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे मान लीजिए इसकी सब्जेक्ट्स, हम एक रिजल्ट शीट तैयार करने जा रहे हैं।
करने जा रहे हैं, एक रिजल्ट शीट तैयार करने जा रहे हैं। भुवन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह की क्लास के लिए इसलिए यहां रिजल्ट हमें देना है। रिजल्ट ये है कि हर सब्जेक्ट ग्रेटर देन 30 होना चाहिए तो हम पास देंगे, अदरवाइज फेल देंगे। तो इसमें हम जो है यहां पे हमारा सिंपल सा एक सिंगल रिजल्ट है। कंडीशन तो कई सारे हैं बट रिजल्ट एकदम सिंगल है। क्या जी सर? तो क्या करें? तो यहां पे कंडीशन होगा इफ का, इफ नहीं एंड का, और यहां हम देंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 या ग्रेटर देन 30 एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट टू ग्रेटर देन थर्टी इक्वल टू 30 कर दिया, एंड फिर वापस सब्जेक्ट थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड सब्जेक्ट फोर आल्सो इक्वल टू ग्रेटर देन B2, C2, D2, E2 हो गया। यस सर। एंड के अंदर फैसिलिटी ये होती है कि जितने भी हमने कंडीशन दिया सारे कंडीशन अगर ट्रू है, एक माने कि मेट कर रहा है, मिच कर रहा है, तो इसमें रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है जी। अब इसको पास और फेल करने के लिए आप यहां इफ कंडीशन दे दीजिए कि इफ एंड का रिजल्ट इक्वल टू ट्रू है तो पास, अदरवाइज फेल। प्रेस कीजिए और नीचे की तरफ आ जाइए। ओके ओके सर। बट इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें बताना है कि फेल किस में हुआ है, पहले सब्जेक्ट फेल किस में हुआ है, मतलब कि मेरे पास कंडीशन तो कई सारे हैं तो रिजल्ट भी कई सारे हैं, तो एंड यहां पे शूट नहीं करेगा। तब क्या करेंगे? तब हम यहाँ नेस्टेड इफ लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, जहां पे समझ में नहीं आएगी मुझसे रिपीट करवा दीजिएगा। इफ हमने सिलेक्ट किया सब्जेक्ट वन और बोला किया ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, ओके जी, यहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं देना है, दूसरी कंडीशन को चेक करना है, तो फिर वापस इफ, क्योंकि इफ बोलता है जितने कंडीशन उतने इफ लगाइए। ओके, यहाँ पे हमने बोला क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, अगेन इफ सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर अगेन इफ इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो यहाँ पे पास होने के चांसेस कितने हैं? एक ही है ना, बट फेल होने के चांसेस तो चार है ना जी, तो मुझे चार बार फेल कराना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि सब्जेक्ट फोर, समझे? यहां देखिए, ये हम जो भी काम कर रहे हैं किस इफ पे काम कर रहे हैं? चौथे इफ पे काम कर रहे हैं। चौथे इफ को हमने कंडीशन दे दिया, ट्रू पार्ट दे दिया एंड फॉल्स पार्ट दे दिया, ओके, और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम आ गए तीसरे इफ में। देखिए आप ध्यान से, तो तीसरे इफ का ट्रू पार्ट ए हुआ और फॉल्स पार्ट ए सारा है ना, सही है, माफ कीजिएगा, तीसरे इफ का लॉजिक यहां है और ट्रू पार्ट है, चौथा इफ तीसरे इफ का ट्रू पार्ट है जी, फॉल्स पार्ट दे देते हम यहां पे कि सब्जेक्ट थ्री फेल। जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तब यहां पे दूसरे इफ, तो दूसरे इफ के अंदर में तीसरा इफ है और तीसरे इफ के अंदर में चौथा इफ है,
और भी ट्रू पार्ट, तो फॉल्स पार्ट देना पड़ेगा। तो अब यहाँ कॉमा देते हैं, फॉल्स पार्ट आ गया ना, दिखता रहेगा आपको आसानी से। जी टू एंड लास्ट में सब्जेक्ट वन। इससे क्या हुआ कि हमने अलग अलग रिजल्ट दे दिया और ये बता दिया कि सब्जेक्ट टू में फेल है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, लेकिन इफ क्या कर रहा है कि अगर उसको जहां पे कंडीशन फॉल्स मिल रहा है उसी से बाहर निकल रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे कर रहा है कि अगर ये चेक कर, अगर कंडीशन मिला तो वो दूसरे इफ को फॉरवर्ड कर रहा है, नहीं तो क्या कर रहा है ये इस सब इसको रिटर्न कर दे रहा है। पहले वाले को ही रन कर दो, ठीक है, टू फेल होएगा पहले वाला। और ये देखिए अगर इसने, अगर मान लीजिए पहले वाला सही है तो फिर दूसरे वाले को देगा, दूसरे वाले ने चेक किया अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिला तभी वो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे अपना फॉल्स पार्ट को फॉरवर्ड कर देगा और इफ को खत्म कर देगा, आगे चेक ही नहीं करेगा। ओके यस सर, समझ में आ गया आपको? क्लियर सर। चलिए भुवन जी आपको चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट 30 से ऊपर है, चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट 30 से ऊपर है तो हमें पास देना है, अदरवाइज फेल देना है। बात समझिए, हेलो जी, तो हमें क्या करना है, हमने एंड तो लगा दिया तो एंड तो सिंपल हो गया हमारा, बट इसमें रिजल्ट पास और फेल आया, हमें यह बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल कंडीशन आ गया तो एंड यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ मतलब कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ को डाला है और ये रहा दूसरा इफ। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हुआ, पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो दूसरे को देगा, दूसरा ट्रू हुआ तो तीसरे को देगा, तीसरा ट्रू हुआ तो चौथे को देगा और चौथा ट्रू हुआ तो रिजल्ट देगा, अदरवाइज क्या होगा ये फेल दे देगा। फिर अगर तीसरे को कंडीशन ट्रू नहीं हुआ मतलब ऐसा लगा कि 30 नहीं है तो सीधे ये अपना फॉल्स, क्योंकि हर इफ का दो पार्ट होता है ना, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे इस पहले इफ को देखिए, लॉजिकल टेस्ट ये हो गया, ट्रू पार्ट में आपका ए आ गया और फॉल्स पार्ट में ए आ गया, तो अगर इसमें 30 हुआ, 30 से ज्यादा या 30 हुआ तो ए दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो ये अपना फॉल्स पार्ट को रिटर्न कर देगा जो कि ए एस वन फेल, समझे? अब 30 से ज्यादा आया तो दूसरे इफ को मिला, दूसरा इफ के क्या है कि ए पूरा ट्रू पार्ट है और ए इसका फॉल्स पार्ट है, ठीक है? तो दूसरे इफ को अगर ट्रू मिलेगा तो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो ये अपना फॉल्स पार्ट को शो कर देगा और तीसरा इफ ही सेम चीज सेम कंडीशन को मैच करेगा, अगर मिला तो अपना चौथे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो इसका जो फॉल्स पार्ट है ये इसका ट्रू पार्ट हो गया, इसका फॉल्स पार्ट है सो करेगा, नहीं तो नहीं सो। बात समझे? हाँ ठीक है, बराबर। पर इसमें सर, इसमें जैसे कविता है नंबर 3rd में, इसमें दो हमारे फेलियर है लेकिन एक ही शो करेगा ना इसमें? हाँ इसमें एक ही शो करेगा क्योंकि कंडीशन एक बार चेक करने के बाद आगे चेक ही नहीं करेगा ना वो। जी जी, उसका है उसके लिए फिर दूसरा चीज अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम आगे पढ़ेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यही क्लास में दे दूंगा तो फिर दिमाग से उतरना शुरू हो जाएगा ना। नहीं सर ठीक है। क्या जी चलिए आगे बढ़े। हाँ सर,
अब इसमें बारी आती है और का, और का क्या यूज है। तो यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला, यहां देते हैं इन। अब जैसे कि मुझे मान लीजिए कि भेजा गया है आईडी प्रूफ की डेटा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो आईडी प्रूफ में पैन, डीएल, वोटर, पासपोर्ट, यूआईडी, आधार भी कर देता हूं है। तो यहां पे स्टेटस लिखना। अब एंड में क्या था कि सारे कंडीशन मैच करने चाहिए तब इसको रिजल्ट देना है, अदरवाइज नहीं देना। बट यहां पे क्या हुआ कि अब यहां पे जरूरी नहीं कि सब आप पूरा का पूरा आईडी प्रूफ सब जमा करें। कंपनी करती है मुझे कुछ इसमें से कोई एक भी मिलेगा तो चलेगा। अब जरूरी नहीं कि एक ही मिले, दो भी मिल सकता है। आप कोई लोग, हम लोग भी तो दो आईडी जमा कर देते हैं ना सर। तो यहां पे हमें ये देखना है कि किसी एक में भी अगर वाई हुआ तो स्टेटस में ओके देना है, अदरवाइज पेंडिंग देना है। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा और था, और जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ द एंड। एंड में क्या होता है, एंड में होता है कि सारे कंडीशन ट्रू हुआ तो, और में एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो। यहां पे और, यहां पे आपने दे दिया वाई, फिर इसको सिलेक्ट किया इक्वल, यहां दे दिया वाई, फिर इसको सिलेक्ट किया इक्वल y, फिर इसको सेलेक्ट किया इक्वल y, सेलेक्ट किया इक्वल y, आ गया सर ट्रू। एक भी नहीं, इसको नहीं मिलेगा तो फॉल्स देगा। लेकिन इसको भी अगर हमें नेस्टेड इफ के थ्रू बनाना हो तो उससे पहले यहां इफ यूज कर लीजिए ताकि इसमें आप ओके और पेंडिंग दे सके। समझ में आया? हाँ जी हाँ। अब यहां पे इसको नेस्टेड इफ से कैसे करेंगे, देखिए। अब यहां पे मुझे देखिए अपोजिट करना है किसके, एंड के। अगर यहां इक्वल टू वाई है तो बस आप यहां पे ओके दे दीजिए, मेरा रिजल्ट जो है ट्रू पार्ट में है और फॉल्स पार्ट में हमारा दूसरा इफ है। कि अगर वाई नहीं हुआ तो दूसरे इफ में जाना है, पर हमने एंड में क्या किया था कि अगर उसको वाई मतलब ट्रू मिले तो दूसरे इफ में जाना है, बट यहां पे क्या है, ना मिले तो दूसरे इफ में जाना है, जस्ट लाइक अपोजिट। समझ गया? तो यहां पे ओके, इफ कंडीशन, इफ यहां पेंडिंग होने के चांसेस सिर्फ एक बार। और यहां पे केस सेंसिटिव नहीं होता, बड़े छोटे का फर्क नहीं होता है। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है, कई सारे इफ है तो आप एंटर मारिए, क्लोज करने के लिए पूछेगा, यस कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज हो गया। क्लियर है? यस सर, क्लियर। अब जैसे कि एंड और का पार्ट हुआ तो क्या करेंगे, मतलब इसमें हमने बोला कि पैन नंबर तो देना ही देना है, मुझे दो आईडी चाहिए जिसमें से एक पैन नंबर होना चाहिए। हालांकि इस सबको हम इफ से इससे कर सकते हैं, काउंट इफ से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर रिजल्ट सेम है तो काउंट इफ लगा दीजिए, लेकिन अलग अलग है जैसे वाई है, डी है, ऐसे तरह का है तो इफ ही लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे कंडीशन हो गया कि मुझे दो आईडी चाहिए जिसमें से पैन कंपल्सरी, तो यहां पे एंड और को कंबाइन करेंगे, एंड एंड के अंदर में देंगे वाई और एंड के अंदर में फिर देंगे और,
स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे एक तो पैन चाहिए, दूसरा इसमें से कोई एक चाहिए, तो और कोई एक होगा तो ओके कर देगा ना सर, वाई कॉमा हमने इसको सेलेक्ट किया, वाई कॉमा इसको सेलेक्ट किया, वाई कॉमा इसको सेलेक्ट किया, रिजल्ट ट्रू। अगर मान लीजिए मैं पैन को हटा देता हूं तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसको इफ के जरिए कैसे करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है दीपक जी, ओके सर, श्योर, इसको आप लोग करके मुझे भेजिएगा। दूसरा फॉर्मूला आता है यहां पे एक्स और का, जैसे कि दिल्ली है और मुंबई, आपको पुणे मान लीजिए, आपको क्या करना है कि दो आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपको ट्रांसफर फॉर्म भर रहे हैं और आपको चॉइस आपको दिया गया है कि आपको ट्रांसफर चूज करना है, और चूज करना कंपल्सरी है, यहाँ पे स्टार लगा और दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि मुझे दिल्ली भी चाहिए और पुणे भी चाहिए, क्योंकि आप एक बार में दो जगह तो काम नहीं कर सकते ना जी। इसलिए अगर दिल्ली आपने दोनों वाई कर दिया तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आना चाहिए, और दोनों छोड़ दिया तो फॉल्स आना चाहिए, माने किसी एक में वाई और किसी एक में ब्लैंक कर दीजिए या फिर एन कर दीजिए, तो दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास होता है एक्स और, पहली कंडीशन इक्वल टू वाई कॉमा दूसरी इक्वल टू वाई, इसमें क्या हुआ कि वाई ट्रू आ गया, अगर दोनों में वाई कर दिया तो फॉल्स आ गया, दोनों डिलीट कर दिया तो फॉल्स आया, एक में वाई कर दिया किसी एक में तो ट्रू आएगा, ठीक है, विदाउट नो सर। इसके कुछ और फॉर्मूले हैं उसके बारे में देख लेते हैं, हमने एंड बता दिया, फॉल्स फॉल्स और ट्रू कोई खास नहीं है, और आपका इफ हो गया, इफ एरर हो गया, इफ एन ने इफ एरर दोनों एक ही है, इफ एरर में क्या है हर तरह के एरर को कंसीडर करता है, और इफ एन ए में सिर्फ एन ए के एरर, राइट सर, और हो गया ट्रू हो गया एक्स और हो गया। अब आपके पास दो फॉर्मूले बचते हैं इफ्स के और स्विच के, दोनों फॉर्मूले लेटेस्ट वर्जन में है, याद रखिएगा। तो आप सभी के पास लेटेस्ट वर्जन है या पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं? मेरे पास 2365 है। ओके तो ठीक है, और आपके पास भुवन जी? 16 है, 16 तो दिक्कत है, 2016 है, दिक्कत है सर, 16 में फॉर्मूला नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक, वो बता दीजिए आप देख लेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम आपको कल बताएंगे, फिलहाल अभी तो आपको हमने काम दिया उस पर कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जब मैं ये सिखाऊंगा तो बाकी चीज भूल जाएंगे आप, ठीक है, ठीक है, ठीक, अभी जो सिखाया उसको कर दीजिए। आपके पास इसके दो क्लासेज और बचे हैं, एक क्लासेज जो मैं पढ़ाऊंगा और दूसरा क्लासेज जिसमें आपकी टेस्ट, मिलते हैं कल सेम टाइम, श्योर सर, ओके बाय।